Good morning dear children. Today we will start our GK class. Today we will start a new chapter. Chapter 4, How to Tell Time. How is time process? Time is very important in our life. It helps us to become punctual in life, like walking up. In the morning, getting ready and reaching school, having our meal, preparing for exams, reaching the bus stop, railway station, etc. Time helps us to gain success in life. But do you know how to tell time? But you ho that. टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है टाइम के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे जैसे कि मॉर्निंग में वॉकिंग नहीं वॉकअप नहीं कर पाएंगे सुबह सुबह उठ नहीं सकेंगे स्कूल नहीं पहुंच सकेंगे टाइम पे, और जैसे कि कहीं पे ऑफिस जाना है कहीं पे जाना है तो हम लोग बस नहीं पकड़ पाएंगे रेलवे स्टेशन में भी टाइम मेंटेन होता है रेलवे स्टेशन में भी टाइम से रेल छूटते हैं तो हम ये सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे टाइम है हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम के अनुसार हम लोग पूरा एक दिन का जो रूटीन है डेली लाइफ का जो रूटीन है ये बना सकते हैं तो टाइम से अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग अपने लाइफ में सक्सेस पाएंगे सही काम सही टाइम पे करना चाहिए नीट फॉर अ क्लॉक तो इसके लिए हम लोग को क्या जरूरी है क्लॉक क्लॉक जरूरी है टू टेल द करेक्ट टाइम एंड डू आवर वर्क विदाउट एनी डिले वी नीड अ क्लॉक जैसे कि हम लोग अपना काम सही समय पर करने के लिए और कोई भी डिले नहीं हो हो इसको देखने के लिए हम लोग को क्लॉक चाहिए देयर आर आर थ्री नीडल्स इन अ क्लॉक यूज टू टेल टाइम हर क्लॉक में थ्री निडल्स होते हैं और ये हम लोग को टाइम मेज़रमेंट करने के लिए बताते हैं जैसे कि एक टू स्मॉल हैंड रहता है उससे आवर टाइम होता है और जो बड़ा लॉन्ग हैंड है इससे मिनट टाइम मेज़र कर सकेंगे और एकदम पतला सा जो हैंड रहता है जो पतला सा जो कांटा रहता है उससे हम लोग सेकेंड सेकेंड काउंट करते हैं तो यहाँ पे तीन टो तो करके कांटा रहता है नीडल्स रहते हैं द स्मॉल हैंड पॉइंट टू द आवर्स द बिग हैंड पॉइंट टू द मिनट एंड द थीन हैंड जो पतला सा थी नीडल्स है वो हम लोग को सेकेंड सेकेंड काउंट करने में हेल्प करते हैं अ क्लॉक है सिक्सटी मिनट्स

नंबर में जब काटा जाएगा तो फाइव फाइव में इसका काउंटिंग होगा फाइव फाइव गैप करके यह यहाँ पे काउंटिंग होगा पूरा लेके सिक्सटी मिनट यहाँ पे काउंट होता है When वी से एम वी रेफर टू ट्वेल्व आवर्स बिफोर noon। बारह बजने से पहले होता है ए एम and वेन वी से पी एम वेर आर वी रेफर टू ट्वेल्व आवर्स आफ्टर नून जब हम लोग पी एम बोलते हैं तो बारह बजने से दोपहर बारह बजने के बाद वो टाइम मेन्शन करते हैं वेन डू यू वॉक अप इन द मॉर्निंग एंड स्लीप एट नाइट राइट इन ए एम एंड पी एम सुबह जितना बजे तुम लोग उठते हो सिक्स ए एम या सेवन ए एम तुम लोग ये लिखोगे और रात को जब सोते हो सोते हो जैसे टेन पी एम या इलेवन पी एम इसको भी यहाँ पे लिखोगे राइट डाउन द एग्जैक्ट टाइम इन द इन ईच सर्किल यहाँ पे कितना बज रहा है देखो छोटा कांटा जो है छोटा जो नीला है ये है थ्री मे और ट्वेल्व जो थ्री मतलब ये आवर्स शो करते और ट्वेल्व बड़ा जो लॉन्ग हैंड है ये मिनट शो करते तो यानी कि ये हुआ तीन बज रहा है तो थ्री ओ क्लॉक यहाँ पे देखो शॉर्ट हैंड है एट पे एंड लॉन्ग हैंड है ट्वेल्व पे तो यानी कि ये हुआ एट ओ यहाँ पे वन में है शॉर्ट हैंड एंड ट्वेल्व में है लॉन्ग हैंड तो यहाँ पे हुआ वन ओ क्लॉक और यहाँ पे टेन में है शॉर्ट हैंड एंड ट्वेल्व में है लॉन्ग हैंड यानी कि यहाँ पे हुआ टेन ओ क्लॉक तो स्टूडेंट्स तुम जान जान चुके हो कि टाइम क्या होता है टाइम एक इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ में जिसके द्वारा हम लोग कोई भी काम प्रॉपरली कर सकेंगे और विदाउट एनी डिले कुछ भी देरी नहीं होगा सही समय पे सही काम हम लोग कर पाएंगे तो इसके लिए हम लोग को जरूरी है क्या क्लॉक के क्लॉक जो है उसको हम देख के टाइम मेंटेन कर सकेंगे क्लॉक में तीन टू तो कांटा तीन टू तो नीडल्स होते हैं एक टू तो नीडल्स छोटा वाला जो है शॉर्ट हैंड जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल हैंड वो आवर शो करते हैं लॉन्ग हैंड जो है बिग हैंड ये पॉइंट्स करते हैं मिनट्स को और ये पतला सा नीडल्स है ये शो करता है सेकेंड को तो यहाँ पे आवर्स मिनट एंड सेकेंड यहाँ पे पूरा काउंटिंग होता है और हर क्लॉक में सिक्सटी मिनट्स रहता है इससे हम लोग को सिक्सटी मिनट्स का जो डिफरेंस ये पता चलता है वन टू थ्री फोर करके जितना नंबर है ये फाइव फाइव मिनट के अंतर है गैपिंग में है तो देयर इज़ द फाइव मिनट्स गैप फ्रॉम ट्वेल्व टू वन वन टू 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 थ्री एंड सो ऑन और ए डे ट्वेंटी फोर आवर्स यानी कि एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स रहता है इसको हम लोग ए एम और डी पी एम में डिवाइड कर चुके हैं करते हैं देखो ट्वेल्व ए एम इज़ मिड नाइट मिड नाइट ट्वेल्व से ए एम काउंट होता है और ट्वेल्व पी एम इज नून और ट्वेल्व अगला दिन जो ट्वेल्व पी एम दोपहर को ट्वेल्व बजे के आगे तक ये ए एम चलता है और आफ्टर ट्वेल्व जो दोपहर नून में आफ्टर ट्वेल्व है उसके बाद से पी काउंटिंग शुरू होता है पी उसके बाद से जितना टाइम हम लोग गिनती करेंगे उसको पी बोलेंगे रात बारह बजे से सुबह बारह बजे तक जितना टाइम हम लोग बोलेंगे एक बजा है दो बजा है तीन बजा है या जो भी बजा है वो हम लोग ए एम से बोलेंगे वन ए एम टू एम जब हम लोग सुबह में उठेंगे तब बोलेंगे सिक्स ए एम या सेवन ए एम और दोपहर बारह बजे के बाद से वो पी बन जाता है फिर रात बारह बजे तक वो पी एम चल पी एम ही चलता है तो दोपहर दो बज दो बजे या ए वन बजे कुछ भी हो उसको हम लोग वन पी एम टू पी एम ऐसा करके काउंटिंग करते हैं तो चिल्ड्रेन आज ये चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं नेक्स्ट दिन थ्री और फोर दोनों चैप्टर का एक्सरसाइज हम दे देंगे वर्कशीट हम डाल देंगे तुम तो लोग ठीक से लर्न कर लेना थैंक यू